अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको इंस्टेंट चिकन पुलाव या इंस्टेंट चिकन तहारी की टेस्टी रेसिपी सिखा रही हूँ। देखिए, मैंने कल चिकन मसाला की रेसिपी बनाई थी, लेकिन ये रात को थोड़ा सा बच गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम रोटी से ये सब जो ग्रेवी है चिकन की खा के बोर हो जाते हैं। कभी कभी पार्टीज में या फंक्शंस में भी इस तरह से चिकन ग्रेवी बच जाती है, कभी ज़्यादा या कभी कम। इसे वेस्ट मत कीजिए। अगर आप इसे रोटी से खा के बोर हो गए हैं तो हम चलिए इसका टेस्टी पुलाव बनाते हैं। सिर्फ चिकन मसाला ही नहीं, बल्कि कोई भी चिकन की रेसिपी, जैसे चिकन करी, चिकन बटर मसाला या और बहुत से चिकन के रेसिपीज़ हैं, उससे भी हम टेस्टी चिकन पुलाव या तहारी बना सकते हैं। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। मैंने इस ग्लास से करीब 4 ग्लास चावल अच्छे से धो के भीगने के लिए रख दिया है। आप जितना चाहे चावल उसमें ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्जी, 3 ग्लास या 4 ग्लास। मगर चिकन पुलाव बनाते वक्त जब आप पानी डालेंगे वो आप करेक्ट मेजर करके डालिए चावल के हिसाब से। इसे हम एक आधे घंटे के लिए भीगने के लिए रख देते हैं। एक पैन में हम 2 टेबलस्पून घी गरम कर लेते हैं। घी गरम हो चुका है, अब मैं इसमें 1 दालचीनी का पीस, 4 लौंग, आधा टीस्पून शाहजीरा या आप नॉर्मल जीरा का भी यूज कर सकते हैं और 2 इलायची ऐड कर देती हूँ। ऑलरेडी जो चिकन मसाला है उसमें मैंने स्पाइसेस ऐड किए हुए हैं, इसीलिए मैं थोड़े ही डाल रही हूँ। इसे हल्का सा फ्राई कर लें 10 सेकेंड के लिए। अब मैं इसमें एक मीडियम साइज बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर देती हूँ। प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन होने तक इसे ऐसे ही फ्राई करते रहिए। देखिए, प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देती हूँ। इसकी रॉ स्मेल जाने तक इसे अच्छे से हाई फ्लेम पे फ्राई करते रहिए। अदरक लहसुन की रॉ स्मेल चली गई है, मैंने इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें चिकन मसाला की ग्रेवी ऐड कर देते हैं। आप कोई भी चिकन मसाला की ग्रेवी या चिकन ग्रेवी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके पास बच गई हो। अब फ्लेम को हाई करके इसे थोड़ा सा भून लेते हैं। देखिए, इस ग्रेवी को अच्छे से मैंने भून लिया है। इसे भून लेने के बाद अब मैं इस ग्लास से पानी ऐड कर देती हूँ। मैंने चावल लिए थे 4 ग्लास, तो मैं इस ग्लास से पानी ऐड कर रही हूँ, 4 प्लस 4 प्लस 1 ग्लास एक्स्ट्रा, टोटल 9 ग्लास। पानी डालने के बाद फ्लेम को हाई कर दें और पानी बॉईल होने का अब हम वेट करते हैं। अगर आपके पास चिकन ग्रेवी कम है तो आप थोड़ा सा चिकन पुलाव भी बना सकते हैं। बस 2 ग्लास चावल और 2 ग्लास चावल के लिए आप 5 ग्लास पानी ऐड कर दें। अब हम इसमें थोड़े से धनिया के पत्ते, थोड़ा सा पुदीना और 3 से 4 हरी मिर्च भी डाल देते हैं, 3 टीस्पून नमक। इसे डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर दें। नींबू का जूस 1 टेबलस्पून, इसे भी मिक्स कर दें। पानी पक रहा है, अब मैं इसमें चावल ऐड कर देती हूँ। चावल ऐड करने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चावल अच्छे से पक रहे हैं, देखिए। अब हम इसे ऐसे ही पकने देते हैं पानी सूखने तक। देखिए, पानी अच्छे से सूख गया है। अब मैं फ्लेम को लो कर देती हूँ और इस पे हम लिड बंद कर देते हैं। लिड बंद करके हम अब इसे दम में पकाएंगे। दम पे यानी लो फ्लेम पे एक 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे। हम इसे दम पे इसलिए रख रहे हैं ताकि जो बाकी पानी है वो भी अच्छे से सूख जाए। 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम लिड ओपन करके देख लेते हैं। देखिए, हमारी टेस्टी इंस्टेंट चिकन पुलाव या चिकन तहारी अब सर्व करने के लिए तैयार है। देखिए कितनी टेस्टी लग रही है। आप लोग जरूर ट्राई कीजिए रेसिपी, बहुत ही सिंपल, इजी और क्विक रेसिपी है ये। हमारा इंस्टेंट चिकन पुलाव या चिकन तहारी अब तैयार है। देखिए कितना टेस्टी लग रहा है। बस एक सिंपल सा चिकन मसाला करी से हमने इतना टेस्टी चिकन पुलाव बनाया है। आप भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको मेरे चिकन मसाला की रेसिपी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा उसका लिंक। आप चिकन पुलाव को हैदराबादी बैगन के सालन के साथ भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी होता है वो। उसका लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिल जाएगा।
अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। अस्सलाम वालेकुम।